सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम एक कानून के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है और अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। हम बात करेंगे काट्सा कानून की। प्रोनंसिएशन में कुछ कैट्सा भी करते हैं, फिलहाल हमें लगा कि काट्सा ही सही है, तो काट्सा कानून की बात करेंगे। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका ने थोड़े समय पहले दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए काट्सा कानून बनाया। तो पहले डिटेल जान लेते हैं। डिटेल ये है, काट्सा अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करें तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सनिक्शन एक्ट, यानी कि का हिंदी में कहें तो लागू प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के दुश्मनों से निपटने का कानून। ये एक ऐसा कानून है जिसे 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित किया गया और जनवरी 2018 से संभवतः लागू भी है। इस कानून का उद्देश्य ये है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा बनाया गया है तो अमेरिका ने थोड़ा अपनी सुप्रीमेसी का इस्तेमाल किया है, और इसका उद्देश्य ये है कि दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करना। यह अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लिखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम 5 लागू करने का अधिकार है, ऐसा अधिकार यह अधिनियम देता है। यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रूसी हितों जैसे कि तेल और गैस उद्योग या रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र या वित्तीय संसाधनों, इन पर प्रतिबंध से संबंधित है, और इस कानून के माध्यम से अमेरिका उन देशों को प्रतिबंधित करता है जिनका रूस के साथ रक्षा और खुफिया क्षेत्र से उल्लेखनीय लेन देन है। अब इस अधिनियम के तहत भारत पर भी प्रतिबंध लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि जितने रक्षा सौदे मोस्टली होते हैं रूस के साथ जो होते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक डील फाइनल हुई थी रूस के साथ कि जिसपे पिछले वर्ष काम किया जा रहा था, फिर फाइनली डील हो गई। उसके बाद इसमें क्या योजना थी कि भारत की रूस से S-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदना था। तो जिस कंपनी से भारत ये प्रणाली खरीद रहा है वो अमेरिका द्वारा जो रूस की कुछ कंपनियां प्रतिबंधित की गई हैं, यानी कि 39 कंपनीज को प्रतिबंधित किया है, तो उनमें से वो एक कंपनी है। तो रूस के साथ जब डील फाइनल हुई तो अमेरिका को आपत्ति हुई और धमकी भरे स्वर में कहा भी उसने भारत से कि ये डील वो फाइनल ना करे, नहीं तो इसके बदले में उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब क्या होता है, बात करें अगर भारत और अमेरिका के संदर्भ में, तो भारत और अमेरिका के संदर्भ में जो भारत है पिछले कुछ वर्षों से, यानी कि जो विगत कुछ वर्ष हैं, इन वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत सुदृढ़ हुए हैं और भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है। यदि भारत को इन प्रतिबंधों में शामिल किया जाता है तो भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन संबंधों पर अवश्य ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इन सबको ध्यान में रखकर भारत सहित वियतनाम और इंडोनेशिया को छूट देने की बात की जा रही है। हालांकि भारत को छूट मिलना बहुत आसान नहीं होगा। जो प्रतिबंध रूस के संदर्भ में लगाने की अमेरिका ने बात की है उसमें भारत का एक तर्क यह है कि ये डील कानून बनने से पहले से वार्ता में थी, तो इसलिए उस आधार पर भारत को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। फिलहाल अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर हैं और ट्रंप को ही छूट देने का अधिकार है, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्हें ही इस प्रतिबंध से छूट देने का अधिकार है। इस डील के जो भी ये कानून है इसके अनुसार अमेरिका का मकसद है देशों को रूसी उपकरणों से मुक्त करना, और ये कानून पहले जो उपकरण खरीदे गए हैं उन उपकरणों के लिए कलपुर्जे खरीदने की हालांकि अनुमति देता है। ये एक्ट भारत को ईरान से तेल खरीदने से भी रोकता है। हालांकि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो इस एक्ट का अभी प्रभाव नहीं दिखा है, तो ये भविष्य के गर्त में है कि क्या इस एक्ट का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन काट्सा कानून जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है और अमेरिका को अधिकार देता है देशों को कुछ जैसे रक्षा या खुफिया क्षेत्रों से संबंधित कुछ क्षेत्रों में देशों को प्रतिबंधित करने का,
या उनसे संबंधित प्रतिबंधों को लागू करने का। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत रूस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, भारत अमेरिका की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूरे विश्व की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जो अन्य देश काटसा के अंतर्गत अमेरिका के रेंज में आते हैं, प्रतिबंधों में आते हैं। तो वीडियो पूरी अपेक्षा अच्छा लगा ही होगा आपको, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और लगातार आप साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। हमें पूरी अपेक्षा है कि आप हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और हमें पूरी अपेक्षा है कि हम मिलकर इन्फोनी कॉर्नर को एक नए मुकाम पर जल्दी पहुँचा देंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।